जब माँ बेटा और पिता तीनों एक साथ भोजन को बैठते हैं तो सोचेंगे आप, कहते हाथी रे गरम देखो खट्टी माहेरी के यारे मोरे नाम, हाथी रे गरम देखो खट्टी माहेरी के यारे मोरे नाम, अरे हाथी रे सिराले, अरे हाथी रे सिरानी और अब नेरे मन की रे के यारे मोरे नाम, श्रवण कुमार विचार करते हैं कि मेरे पिताजी की थाली बहुत गर्म है और जो मेरी थाली है बहुत ठंडी है, तो क्यों ना मैं अपनी थाली ठंडी पिताजी को दे दूं और पिताजी की गर्म थाली को मैं ले लूं। तो श्रवण कुमार जब ऐसा करते हैं तो देखो अंदाजी के मुख से क्या बात निकलती है, अरे मुत के दिनों में बेटा खाई निर्मल खीर के अरे मोरे राम, मुत के दिनों में बेटा खाई निर्मल खीर के अरे मोरे राम, आज जोड़ा भोर मोरो शरीर के अरे मोरे राम, आज जोड़ा गाओ मोरो शरीर के अरे मोरे राम। जावे पिताजी किस प्रकार वचन सुनते श्रवण कुमार, तो देखो क्या कहते कि हे पिताश्री, आप अपने घर का खुद बदनाम कर रहे हैं, ये तो अपने रोज का भोजन रोज बनता है और आप कह रहे कि मुझके दिनों में खाया है मैंने, कहीं नहीं बेटा, हे बेटा कई वर्षों के बाद कई सालों के बाद आज निर्मल खीर खाने को मिली है बेटा, तो देखो अरे जैसे खाई बेटा खट्टी माहेरी के अरे मोरे राम, अरे जैसे खाई बेटा खट्टी माहेरी के अरे मोरे राम, अरे खाते से सूखे, अरे खाते से सूखे और उनके शरीर के अरे मोरे राम, खाते हैं तो उनकी छाती भर जाती है, रोने लगते हैं, दोनों नेत्रों से तरह तरस को बहाने लगते हैं और मन में विचार करते कि ना जाने है करक से मेरे माँ बाप को कब से इतना बड़ा अन्याय कर रही है। तो देखो श्रवण कुमार दुख भरे दर्द से क्या कहते उस करकसा के लिए, अरे बेरन दिल से और कर हैं माफ के अरे मोरे राम, अरे बेरन दिल से और कर हैं माफ के अरे मोरे राम, और सिर मल्ले ओख दे दई है साप के अरे मोरे राम, अरे सर मल्ले ओख दे दई है साप के अरे मोरे राम। उस रोते हुए दिल से श्रवण कुमार अपनी पत्नी को श्राप दे देते हैं और क्या कहते कह रहे तू जा, जैसे आज मेरे माँ बाप के साथ अंधाधियों के साथ तूने अन्याय किया, इनको तो परमात्मा की देन से नहीं दिख रहा है, जब मैं तुझे श्राप देता हूं कि तेरी दृष्टि होने के बाद तुझे दिन में नहीं दिखेगा। कहते अंगले जन्म में और चम गोदर बन गई के अरे मोरे राम, डाल के अरे मोरे राम, अरे उनके लट के बराते जान के अरे मोरे राम। और श्रवण कुमार अपने नेत्रों में अश्रु भरते हुए मन में विचार करते कि यह सब दुनिया संसार माया सब झूठी है और जो कुछ है तो मेरे माँ बाप है, अरे कांवर बेटा ने कर लई तैयार के अरे मोरे राम, अरे कांवर बेटा ने कर लई तैयार के अरे मोरे राम, अरे माता पिता के और लए बेटार के अरे मोरे राम,
पिता को बैठा लेते हैं और माता पिता के और पल के गुलाम के आरे मोरे माता पिता के और पल के गुलाम के आरे मोरे और ले गए कराने और अब तीरथ धाम के आरे मोरे माँ बाप को चारों धाम की तीर्थ यात्रा कराते हैं तो कुछ समय की तीर्थ यात्रा पूर्ण हो जाती है तो एक वक्त की बात सुनिए आप और होनी को आगे और सुन लइयो हाल के अरे मोरे श्रवण कुमार से कहते हैं कि हे बेटा बहुत जोर की प्यास लग आई है, कोई भी अगर नजदीक में कोई सरोवर हो तो बेटा पानी पिलवाओ। कहते चीरा में बांधे बांधत नैया तीर के आरे मोरे राम बांधे बांधत नैया तीर के आरे मोरे राम अरे पिलवा दो रे अब बेटा नीर के आरे मोरे राम अरे पिलवा दो बेटा यारे राजा दशरथ जी विचार करते हैं, एक शिकार का इंतजार करके बैठे थे कि कोई भी शिकार पानी पीने के लिए आज सरयू तट पर आएगा तो वह सप्त वेदी बांध लेकर उस पक्षी को उस जानवर को मार देंगे तो उनका शिकार पूर्ण हो जाएगा। अरे आगे की कहो और बन गई से आते के अरे मोरे राम सही समझा रहे वेद की बात के अरे मोरे राम सही समझा रहे वेद की बात के अरे मोरे राम। श्रवण कुमार उस कमंडल को लेके तुम्ही का कमंडल लेके जैसे ही सरयू मैया में डूबते हैं अरे बुक बुक की रे जावे आ गई आवाज के अरे मोरे राम अरे बुक बुक के जावे आ गई आवाज के अरे मोरे राम और तीर चलाए दशरथ महाराज के अरे मोरे राम तीर चलाए और दशरथ महाराज के अरे मोरे राम अरे अरे श्रोता सुनियो और लगा के ध्यान के अरे मोरे राम अबे अरे श्रोता सुनियो लगा के ध्यान के अरे मोरे राम अरे श्रवण की छाती आ चुमे गोवान के अरे मोरे राम श्रवण की छाती आ चुमे गोवान के अरे मोरे राम। जैसे ही श्रवण कुमार को बाण लगता है तो कहते हैं कि हे मैया हे पिताश्री उनके मुख से यही आवाज निकलती तो राजा दशरथ समझ जाते कि मेरे हाथ कोई घोर अन्याय हो गया और घबरा के दौड़ के जाते हैं राजा दशरथ श्रवण कुमार के पास में। अरे बेटा के देखो रे जब बेहाल के अरे मोरे राम अरे बेटा के देखो रे जब बेहाल
नाम पूछते कि हे भैया आप कौन हो। अरे मैं तो किसी जानवर को मारा था पांडे, लेकिन आपको लग गया। तो श्रवण कुमार कहते कि हे राजन, अब जो हो गया वो तो लौट के नहीं आएगा। आप मेरे माँ बाप को बहुत जोर की प्यास लगी, तो आप एक कमंडल लेकर उनको पानी पिलवा दे। उठारी का मंडल चले तत् काल के अरे मोरे राम। के पास जाते और कहते के लीजिए ऋषि पानी पी लीजिए, तो वह जानकर घबरा जाते के ये बड़ा अचरज की बात है कि भैया आप कौन हैं और मेरा पुत्र कहाँ है। तो राजा दशरथ बताते कि वह मेरे हाथ से वो घोर पाप हो गया है, आपके पुत्र को मान लग गया, वो मृत्यु को प्राप्त हो गए। तो देखो अंधे अंधी बड़े क्रोधित होकर, अरे दशरथ के उनने दे दई है श्राप के अरे मोरे राम। अरे दशरथ के उनने दे दई है श्राप के अरे मोरे राम। अरे जैसे मरना हमारो होए के अरे मोरे राम। अरे जैसे मरना हमारो होए के अरे मोरे राम। अरे जैसे मरबो तुम्हारो सी हो देते कि आज जैसे हम पुत्र वियोग में मर रहे राजन, जाओ हम आपको श्राप देते उसी प्रकार जिस दिन आपका पुत्र आपसे बिछड़ेंगे उस दिन आपकी मृत्यु आपको ले जाएगी। अरे पानी खेरे आप दे रहे हैं ब्राह्म के अरे मोरे राम। दास गुरु घर के ध्यान लगाए के अरे मोरे राम। दास गुरु घर के ध्यान लगाए के अरे मोरे राम। मेहमान अमित तुम्हारी बरनी ने जाए के अरे मोरे राम। मेहमान अमित तुम्हारी बरनी ने जाए के अरे मोरे राम। हजले रे मनुआ